हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलवेज और आप देख रहे हैं प्लांटोलॉजियाँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों सीडलिंग प्लांटों के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको जितने भी विंटर सीजन के प्लांट होते हैं उनकी आज सीडलिंग करना सिखाएंगे, किस तरीके से हमको सीडलिंग करनी है उसका फुल प्रोसेस करके दिखाएंगे और तो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरीके से हम अपने प्लांटों को किस तरीके से तैयार करते हैं। सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप भी अपने सीडलिंग द्वारा अपने प्लांटों को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास काफ़ी तरीके के ये सीड है, हमने जो मंगाए थे इन्हें, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा सफारी गोल्ड यानी कि जाफरी के सीड हैं, इनको भी आज हम ग्रो करेंगे। और हमारे पास ये देखिए गजेनिया के सीड हैं, इनको भी ग्रो करेंगे। और ये देखिए सलोशिया के भी सीड हैं, इनको भी ग्रो करेंगे। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी तरीके के सीड हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सभी की सीडलिंग आज करने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बताएंगे, किस तरीके की मिट्टी आपको लेनी है और कितनी क्वांटिटी में इसमें आपको मिट्टी डालनी है और क्या क्या इसमें डालना है और कौन कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम किस तरीके से इसमें सीडलिंग करेंगे। दोस्तों, मैं दिखाऊँ आपको सभी को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा कौन कौन से सीड किस तरीके से आपको जर्मिनेट करने हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी सॉइल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की हमें सॉइल रखनी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं हम क्या क्या चीज़ हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले हमें सॉइल लेनी है, ये हमारी सैंडी सॉइल है, इसमें हमने जो गोबर की खाद होती है वो मिक्स की है, इस तरीके से देख सकते हैं, ये हमारी सैंडी सॉइल और गोबर की खाद, इसको हमने मिक्स किया है। और दूसरे नंबर पर हमें क्या लेनी है, इसमें लेनी है हमें कोकोपीट, ये हमने कोकोपीट का जो पूरी एक मंडल आता है कोकोपीट का, उसको सुखाने के बाद जब हमने इसको कोकोपीट बनाई है इस तरीके की, आप भी कोकोपीट इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या लेनी है, ये हमारी सैंडी सॉइल ही है, ये भी इसके हमने बारीक करके इसको छान के रखा हुआ है और इसका अभी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं सैंडी सॉइल की। ये देखिए सैंडी सॉइल है हमारी, इसको इस तरीके से हमको मिला लेनी है, इसका इस तरीके से कर लेंगे। एक सार करने के बाद हमें सबसे पहले, अब इसके बाद हमें दूसरे नंबर पर क्या करना है, जो हमने ये सैंडी सॉइल का जो बारीक बारीक बारूदा जो लिया है, इसको हम छानेंगे, इस तरीके से इसको छानेंगे और इस तरीके से इसको चारों तरफ छान देंगे। और चलिए दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये हम सीडलिंग करने वाले हैं इसकी, यहाँ से हमने इसको रिमूव किया और रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें सीड हैं, ये देखिए इस तरीके के, ये जाफरी के सीड होते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। और इन सीडों को दोस्तों इसमें जो है हमारे 1000 सीड आते हैं, ये देखिए 1000 सीड इसमें आते हैं, इनको हम इतने बड़े पॉट में लगभग 200 या 250 सीड इस पॉट में आ जाएंगे और जो हमारे दूसरे सीड होते हैं वो दूसरे पॉट में इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें डालने हैं इनको, और याद रहे कि एक के ऊपर एक सीड नहीं आना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए सभी सीड, इस तरीके से हमको लगाने हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको सभी को सीडलिंग कर देनी है, इस तरीके से आप सीडलिंग करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें जो हमने ये सीड लगाए थे इनको अब हम ढकने वाले हैं। इस ये जो देख सकते हैं, ये हमने गार्डन सॉइल ली थी, इस गार्डन सॉइल को हम इस तरीके से इसको छानेंगे। ये देखिए, आपको ध्यान रखना, ये हमारे सीड जो हैं ज़्यादा इनमें ढके नहीं, इस तरीके से हमको थोड़े थोड़े इसको ढकने हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से हम इसको ढक देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जब हमारे ये सभी सीड अच्छे से ढक जाएंगे, ज़्यादा आपको मिट्टी भी नहीं डालनी है। ये देखिए इस तरीके से ढकने के बाद अब हमें तीसरा स्टेप क्या करना है, हमको ये कोकोपीट लेनी है और इस पे कोकोपीट का भी एक कॉर्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम कोकोपीट इसमें डालेंगे। कोकोपीट के दोस्तों काफ़ी फ़ायदे होते हैं, हमारे जो सीड होते हैं वो जल्द से जल्द जर्मिनेट होते हैं और अच्छा रिज़ल्ट भी हमें देखने को मिलता है कोकोपीट से। ये देखिए इस तरीके से हम सभी सीड को इस तरीके से ढक देंगे कोकोपीट से भी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारे सीड जो हैं अब ढक चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें
इसमें पानी डालना है, पानी आपको जो छोटा वाला फुहारा होता है उससे डालना है और आपका सीड अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हमको इसमें कर देनी है, ये देखिए इस तरीके से हमको इसमें कर देंगे। और चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं इसको किस तरीके से हमने तैयार किए हैं। ये देखिए दोस्तों इसका जो रिज़ल्ट है, कम से कम 8 से 10 दिन में ये आपके इतने बड़े सीड हो जाएंगे। हमने काफ़ी तरीके से और काफ़ी अलग अलग तरीके के सीडलिंग की है, अलग अलग तरीके के प्लांट की सीडलिंग की है। इस तरीके से जैसे देख सकते हैं हमें भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हैं सभी हमारे जितने भी पॉट हैं लगभग सभी में हमारे सीड जो हैं जर्मिनेट हो चुके हैं, लगता है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और ये देख सकते हैं ये हमने बहुत सारे इस तरीके से आप देख सकते हैं सभी को हमने जर्मिनेट किया है, अलग अलग तरीके के सीड हैं। और आप चाहें तो आप भी इस मेथड को अपना सकते हैं और ये इस तरीके से आप भी अपने सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।